हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी तरफ से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय माता की। हे गाइस, हमारे यहाँ पे करनी माता का मंदिर है जो कि हमारे घर से थोड़ी दूर है, उसमें हो रहा है जागरण। ये देखो, आज हम आए हुए हैं जागरण में और ये देखो करो गाइस, माता रानी के दर्शन। ये माता रानी की जोत जग रही है और हम यहाँ पे जो हमारे जो अंकल जी हैं वो हमारे मौली बांध रहे हैं, ये देखो। और आज हम आए जागरण देखने और गाइस, इस जागरण में बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां हैं। और ये देखो गाइस, ये भोलेनाथ और पार्वती की जो है पहली झांकी यहाँ पे निकली थी। हम आए उससे पहले 2 भजन हो चुके थे और ये देखो अब ये जो पार्वती है, ये जो जागरण में जो है झांकी है भोलेनाथ की, उसमें ये पार्वती डांस कर रहे हैं। इनके बाद गाइस आएंगे भोलेनाथ जी और ये वो गाने हैं ना जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उस गाने पे जो है ये डांस कर रहे हैं। और हम देखो ये गाइस, हम बैठे तो थे जागरण में लेकिन प्रशांत इतना रोए जा रहा था, इतना रोए जा रहा था, इसने हमारा जागरण में बैठना बहुत ही मुश्किल कर दिया है। मसा या मे की झांकी जो है बहुत मुश्किल से हमने एक ही झांकी देख पाए हैं, उसके बाद उसने बैठना बिल्कुल ही मुश्किल कर दिया है। वो एक सांस रोए जा रहा था। ये देखो गाइस, फूलों की माला है जो इन्होंने नीचे रख ली है थाली। और देखो कितनी अच्छी अच्छी झांकी है गाइस, हर साल मंदिर में झांकी ऐसी निकाली जाती है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर एक से एक झांकी निकाली जाती है। राधे कृष्ण की है, काली माता की है और भी काफ़ी झांकी है, भोलेनाथ की है, काफ़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ निकाली जाती हैं। और ये देखो गाइस, ये आगे भोलेनाथ की जो साथ में भूत प्रेत होते हैं, ये वो आगे, ये देखो ब्रेक डांस करते हुए, ये आ गया गाइस। ये देखो इसने कर दिया है यहाँ पे डांस स्टार्ट, बहुत ही जो सुंदर झांकी लगी हमें ये। और ये देखो, ये दूसरा बाल खोल के तांडव करने आ गया, ये देखो वाओ, कितनी अच्छे तरीके से, देखना 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 देखना। ये गाइस इतना पाउडर उड़ाते हैं, ये इतना पाउडर उड़ाते हैं, पता नहीं इनके पास चूना होता है या पाउडर होता है, क्या होता है कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं पाउडर। देखो कैसे, देखो हे गाइस, ये जो लड़का खड़ा है ना इधर, ये जो जटाई वाला इधर आधा नंगा सा, इसकी ना एक आंख पता नहीं कैसी थी, एक आंख ब्लैक और एक आंख बहुत ही मटियाली सी, हो सकता है इसने एक आंख इसके पत्थर की लगी हो, हमें नहीं पता। ये देखो एंट्री हुई है हमारे भोलेनाथ जी की, ये देखो बड़ी ही धूमधाम से एंट्री करी है हमारे भोलेनाथ शिव शंकर महादेव जी ने। ये देखो क्या ज़बरदस्त एंट्री है भोलेनाथ की। और ये पीला पीला पीछे धुआं उड़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें। और ये देखो गाइस, कितना अच्छा यहाँ पे जो है ना ये मोमेंट, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ही अच्छा सीन है। ये देखो हमारे महादेव जी की एंट्री हो चुकी है धीरे धीरे स्लो मोशन में, जो है हमारी पार्वती जी है वो जो भोले का इंतज़ार कर रही हैं कब उनके महादेव आएंगे और कब वो माला पहनाएंगे। ये देखो गाइस, ये जो हमारे भोलेनाथ और पार्वती जी हैं इनका मिलन हो चुका है गाइस। ये देखो जोड़े के साथ ये हमारे मंदिर में जो है पधार चुके हैं। और ये देखो अब ये गाइस एक दूसरे के साथ फेरे लेंगे, फिर ये वरमाला डालेंगे। ये पता नहीं यहाँ पे शिवरात्रि का हो रहा है या क्या हो रहा है। ये देखो गाइस, पार्वती जी ने अब जो है ना भोलेनाथ जी के चरण स्पर्श किए हैं। और ये देखो गाइस, अब महादेव जो है हमारे वो तांडव स्टार्ट करेंगे, अब इनका डांस होगा। ये देखो गाइस, ये भोलेनाथ जी का तांडव। और गाइस सच में इतना अच्छा डांस किया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा हमें इनका डांस देख के, मन एकदम ना प्रसन्न हो जाता है ऐसे स्थान पे, अपनी जो है मन की शांति मिलती है। देखो गाइस कितनी अच्छी तरह से ना जो भोलेनाथ जी डांस करें, ये देखो प्रशांत ने तो इतना परेशान किया हुआ था गाइस, लगातार रो रहा था, लगातार रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, अगर थोड़ी देर के लिए भी चुप हो जाए। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे वीडियो बना रही थी, बड़ी मुश्किल से गाइस, एक हाथ में प्रशांत को पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मुझे वीडियो बनाते हुए। और गाइस
बस क्या बताऊँ, समझ ही नहीं आता क्या करूँ। बच्चे इतना परेशान करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पे भी उसने जागरण में 5 मिनट भी आराम से बैठने नहीं दिया। 2 भजन चले, मैंने सोचा चलो उठ के चलते हैं। फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया अभी एक झांकी तैयार है, एक झांकी आने वाली है। फिर हम 5 मिनट बैठे, हमारे 5 मिनट बैठने के बाद ये जो झांकी है वो आई और झांकी के पीछे हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए। फिर भी वो रोए जा रहा था, चुप नहीं हो रहा था। इस झांकी को देख के वो थोड़ा चुप हुआ और हमने वीडियो बनाई, वो फ़ोन में देखने लग गया, क्योंकि फ़ोन में कार्टून देखता है इसीलिए फ़ोन में देखने लग गया ये क्या चल रहा है। थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, उसके बाद फिर रोने लग गया। फिर हम झांकी ख़त्म होने के बाद हम घर पे आ गए थे। हे गाइस, ये देखो ये कैसे आग निकालेंगे पीछे से, जो है ना पार्वती के जुड़े में। ये देखो गाइस, ये सीन मुझे इतना अच्छा लगा कि आज से पहले ये जो सीन है ना, उस आज से पहले मैंने यहाँ पे अपने मंदिर में कभी नहीं देखा गाइस। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी रिस्क के काम भी है, अगर थोड़ी सी भी इधर से उधर, थोड़ी बात इधर से उधर हो जाती है तो इसका जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरनाक काम हो जाता है। ये देखो गाइस, ये देखो हमारे भोले बाबा जी कैसे कर रहे हैं, ये देखो। और ये देखो अभी ना ये यहाँ पे थोड़ा धुआं धुआल इतना कर देंगे, चूना ही चूना उड़ा देंगे ये अभी थोड़ी देर पहले। ये देखो कैसे ये तांडव हमारे भोलेनाथ जी तांडव कर रहे हैं। लेकिन गाइज, हमारे जो शिव मंदिर है उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे झांकी आती हैं, लेकिन भोलेनाथ का रोल किसी किसी पे ही अच्छा लग रहा है। इन पे इतना अच्छा सूट नहीं कर रहा, पर ठीक है, बढ़िया है। पर इनके जो एक्सप्रेशन थे ना, जो फेस के, वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन थे। इतना भी नहीं कह सकते भी हाँ भी पूरा 100% और इतना लो विंगर्स, पर अच्छा कर रहे थे जहाँ तक भी है, बहुत अच्छा किया। और जो हमारी पार्वती माता है जो पीछे खड़ी थी, वो भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, काफ़ी स्वीट लग रही थी। और गाइस, हमारे जो भोलेनाथ जी हैं वो तो है ही सुंदर, उनको तो कह ही कह सकते हैं हम। और काफ़ी रुद्र रूप दिखाते हुए बीच में ये डांस कर रहे हैं। और देखो गाइस, सच में इतनी अच्छी लगी झांकी, बहुत अच्छी लगी। देखो गाइस, ये देखो भोले बाबा जी का जो है तांडव रूप, जो गुस्सा रूप है, वो भी इसमें नज़र आ रहा था कहीं ना कहीं। और गाइस, सच में क्या बात बताऊँ आपको, जागरण में तो इतना आनंद आता है गाइस। हम ना हर साल बैठते हैं यहाँ पे जागरण में, नवरात्रों में जागरण होता है, हम सारी रात यहाँ पे बैठते हैं, सारी रात। 4 कब बज जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता, पर इस बार बच्चों ने हमें 2 घंटे भी नहीं बैठने दिया। हम रात को 11 बजे गए थे और 11:15-12 बजे हम घर पे आ गए थे, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे। नंदनी तो खेल रही थी, लेकिन प्रशांत ने इतना परेशान किया, वो रोए जा रहा था। पता नहीं उसको गाइज, ऐसा है ना भाई, हम उससे अगर ऊंची आवाज़ में बात कर लेना तो वो रोने लग जाता है। वो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी शोर शराबा काफ़ी हो रहा था, तो वो रुक नहीं रहा था, बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठ रहा था। मतलब उसको इतना डर लग रहा था ऊंची आवाज़ से, उसको लाउड जो साउंड है ना वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता, वो रोता है। ये देखो गाइस, अब हमारे भोले बाबा की और पार्वती मैया की हमारी लड़ाई हो रही है भांग कूटने के पीछे। भोलेनाथ जी बोल रहे हैं मेरे को भांग पीस के दो, और गौरा माता कहती है मैं नहीं पीस के दूंगी, अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं मेरे पीर चली जाऊँगी, अपने मायके चली जाऊँगी, पर तुम्हें भांग घोट के नहीं दूँगी। ये देखो गाइस, ये कुंडी सोटा है जो हमारे भोलेनाथ जी कह रहे हैं इसमें भांग पीस के दो, कहते नहीं पीस के दूँगी, जाओ कर लो जो तुमसे होता है। ये देखो गाइस, हमारे जो है ना पार्वती भोलेनाथ की भी ऐसी ही लड़ाई होती है जैसे आजकल हमारी मियाँ बीबी की लड़ाई होती है। देखो गाइस, ये जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े का चलन है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये देखो भोलेनाथ जी कैसे सोटा लेके माता पार्वती के पीछे पड़े हुए हैं। ये देखो गाइस, अगर ये माता पार्वती के पीछे ऐसे सोटा लेके ना पड़ते तो हमारे भी पति देव ऐसे सोटा लेके पीछे ना पड़ते। ये लड़ाई दंगे का इन्होंने ही स्टार्ट किया है, आरंभ किया है इन्होंने ही, तो हमारी मियाँ बीबी की लड़ाई होती ही है। देखो गाइस, अब अपने हाथ से देखो, ये देखो माता पार्वती कैसे सोटा भोले जी को दिखा रही हैं, ये देखो। और भोले बाबा जी भी माता पार्वती को ऐसे सोटा दिखाते हैं। देखो भोले बाबा जी कितने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे भांग घोट के दो, भांग घोट के दो,
माता पार्वती देखो कितने नखरे दिखा रहे हैं, ये देखो कितने नखरे दिखा रहे हैं, जैसे हम पत्नियां नखरे दिखाती है ना थोड़ा, ऐसे ही माता पार्वती है हमारे भोलेनाथ जी को नखरे दिखा रही हैं। और ये देखो गाइस कैसे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर इनमें लड़ाई झगड़ा ना होता तो शायद आज हमारे जो पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता वो भी ना होता। ये देखो गाइस कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे भोले बाबा जी भांग के पीछे, और देखो माँ पता पार्वती के नखरे सातवें आसमान पे हैं। ये देखो गाइस हमारी माता पार्वती है जो कहती है हाँ हाँ पिलाऊंगी, अभी पिलाऊंगी तुम्हें तो भांग, मैं तो पीर चली जाऊंगी अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो। ये देखो माता रानी के ठुमके, माता पार्वती के ठुमके देखो। और देखो गाइस यहाँ पे ये देखो कैसे माता पार्वती पे अपनी धौंस जमाते हुए भोलेनाथ जी, और ये देखो गुस्सा दिखाते हुए हमारी माता पार्वती, ये देखो सोटा लेके पीछे पड़े हमारे भोले बाबा जी। और यहीं पे गाइस झांकी ख़त्म होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।